आज जहां पूरे भारत में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन हमीरपुर शहर में दशहरा पर्व मनाने के लिए कोई तैयारी तक नहीं है, क्योंकि हमीरपुर में पिछले 3 वर्षों से दशहरे का आयोजन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के बाद स्कूल के मैदानों में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने के चलते 3 सालों से हमीरपुर शहर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते हैं। हालांकि यहां पर राम नाटक क्लब के द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन पुतले नहीं जलते हैं। वहीं शहर के व्यापारियों और लोगों ने कहा कि हमीरपुर में भी अन्य शहरों की भांति दशहरे का आयोजन किया जाना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि कई वर्षों से तो यहां पर हमीर उत्सव का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि हमीरपुर में भी दशहरे का आयोजन किया जाना चाहिए। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। बड़े आश्चर्य की बात है, हमीरपुर शहर में पिछले 3 साल से दशहरा जो नहीं मनाया जा रहा है। इससे पहले क्या था कि वहां भी मनमर्जी ही चलती थी। दशहरा मान लो कि जैसे 10 तारीख को है तो ये संडे को रावण का पुतला जलाते थे, चाहे वो संडे आए दशहरे के 5 दिन के बाद। तो पहले तो ऐसे चलता रहा, अब दशहरा कर दिया उन्होंने बंद। बहुत ही गलत बात है ये। अब जैसे एक ग्राउंड था हमीरपुर शहर में, उसमें पहले रामलीला हुआ करती थी, अब वो भी बंद कर दिया। रामलीला के लिए भी बंद, दशहरा के लिए भी बंद। अब हमीरपुर शहर के लोग कहाँ जाएं? ये तो धार्मिक त्योहार है, इसके लिए तो सरकार को या डीसी साहब को कोई ना कोई जगह मुहैया करवानी चाहिए। लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। दशहरा एक हमारा धार्मिक आयोजन है और राम भगवान इससे जुड़े हुए हैं, और जो हमारे एक मतलब हमारी जीवन की एक शैली है। भगवान तो है लेकिन जीवन की एक पद्धति भी है। तो अगर इस तरह से हमीरपुर शहर में 3 साल से दशहरा नहीं मनाया जा रहा, उसके पीछे तो कारण का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसके ऊपर अवश्य ध्यान दें। और ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ भी है और ये हमारे लिए एक विशेष महत्व भी रखता है। अतः मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर से अनुरोध करता हूं कि वे इसके ऊपर जरूर अपना ध्यान रखेंगे। हमीरपुर में दशहरा कई वर्षों से लगातार होता रहा है। लगभग 14-15 वर्ष मैंने ये खुद भी देखा है, दशहरा करते आए हैं। हमीरपुर शहर का ये सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से 3-4 वर्षों से कुछ पहले कोरोना की वजह से ये बंद रहा, उसके बाद कोई करने वालों में निजता की उन्होंने नहीं किया, और आज अगर हम फिर भी करना चाहते हैं तो शहर में जो जगह है वो एकमात्र बॉय स्कूल की ग्राउंड है, जहां पर आजकल घास वगैरह लगा रहे हैं और उसे अच्छा बना रहे हैं, बंद किया हुआ है, आना जाना वहाँ बंद है। इस वजह से जो दशहरे के लिए जगह नहीं है, और भी एक दो जगह ट्राई की थी जगह के लिए, तो वहाँ भी डिप्टी कमिश्नर को उचित नहीं समझा कि यहाँ पर आग जलाना या कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि खुली जगह नहीं है। इसलिए इस वर्ष जो है वो दशहरा जो है वो नहीं मनाया जा रहा है। अगले वर्ष कोशिश करेंगे, चाहे शहर से दूर भी क्यों ना हो, इस दशहरे का जो उत्सव है हमीरपुर जिले का सबसे बड़ा उत्सव, इसको मनाने की वह कोशिश करेंगे और पहले इसका काफी समय पहले ही प्रबंध कर लिया जाएगा। हम पिछले वर्षों से कई वर्षों से रामलीला का आयोजन श्री राम नाटक कला मंच हमीरपुर में करता आ रहा है। पहले हमारे स्वर्गीय लाला कृष्णदेव लाल हांडा जी सन 1950 से इस रामलीला को करवाते आ रहे हैं, तो 2000 से मैं भी लगातार इस राम नाटक कला मंच से जुड़ा हूँ। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो ग्राउंड था वहां पर रामलीला और दशहरे का बहुत बड़ा दशहरा यह मनाया जाता था, मगर ये कुछ पिछले दो तीन वर्षों से स्कूल की परमिशन ना मिलने के कारण यहाँ पर दशहरे का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिससे कि हमारे शहर के बच्चे, व्यापारी भाई, उनकी फैमिली बहुत आहत हैं, क्योंकि ये बड़ी ही बच्चों को इसकी उत्सुकता रहती है कि दशहरा मनाया जाएगा, मगर ग्राउंड की कमी होने के कारण ये पर्व नहीं मनाया जा रहा है। इसे हम
प्रशासन से मांग करते हैं कि इस ग्राउंड को पब्लिक ही ग्राउंड किया जाए, क्योंकि स्कूल अपनी बाउंड्री के अंदर है, पब्लिक ग्राउंड किया जाए ताकि यहाँ हर फंक्शन हो सके। एक हमीर उत्सव भी यहाँ बंद है 4-5 सालों से, और ये दशहरे का जो हर जगह पूरे इंडिया के कोने कोने में मनाया जाता है, एक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल की शान है शहर, वहां पर नहीं मनाया जाता। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस ग्राउंड को पब्लिक ग्राउंड किया जाए, क्योंकि यहां पर दशहरा मनाया जाए, क्योंकि यहां हम जो व्यापारी भाई हैं इनसे कलेक्शन करके दशहरा को करते थे, इसलिए ये इसी ग्राउंड में होने चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का परिवार और बच्चे आएंगे, क्योंकि यहाँ से दूर जहाँ हम बड़ों के ग्राउंड को बोलते हैं वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से हम कलेक्शन करते हैं। तो हमारी यही मांग है इस ग्राउंड को पब्लिक ग्राउंड किया जाए और यहाँ पर हर फंक्शन किया जाए, दशहरा भी हो और अपना हमीर उत्सव भी हो, जो कि बहुत ही इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया जाता रहा हमीर उत्सव, वो भी 5-7 सालों से बंद है। तो हमारी यही मांग है कि इस ग्राउंड को पब्लिक ग्राउंड करके हाँ जो भी फंक्शन है हमारे हिंदी संस्कृति है उसको चलाने में हमारा सहयोग किया जाए प्रशासन से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार हिमाचल, मैं अक्षय वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर वर्मा ज्वेलर्स सोलन की ओर से आप सभी हिमाचल वासियों के साथ एक खुशखबरी अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्मा ज्वेलर्स अपना एक खूबसूरत शोरूम रोडू शहर डिस्ट्रिक्ट शिमला में लेकर आ रहा है। इस शोरूम का उद्घाटन 12 अक्टूबर दशहरे वाले दिन सुबह 11 बजे होगा। और एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसका उद्घाटन हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट राजमाता प्रतिभा सिंह जी करेंगे और उनके बेटे राजा विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि हमारे पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इसका उद्घाटन करेंगे। और मैं आप सभी हिमरोड़ी वासियों को और आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र साथ लगते हैं, आप सभी को मैं अपने वर्मा ज्वेलर्स के परिवार की ओर से आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप जरूर इसके इनॉग्रेशन में सुबह 11 बजे जरूर पहुंचें। और हाँ, अपने बच्चों को लाना साथ ना भूलना, क्योंकि वर्मा ज्वेलर्स में कुछ खास है, अपनेपन का एहसास है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।